हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आप देखो, नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था, वो हमने निकाल लिया है। या मोमेंटम को 50% चेंज कर दो, तो फिर आप ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हो जाएगी। दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एक आप और आपकी गर्लफ्रेंड, दोनों आप जा रहे हैं। मतलब कि हमारे पास ऐसे क्लिक करते इक्वेशन नहीं आता है, हमें यहाँ पे हर एक इक्वेशन को हाथ से राइट डाउन करना होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो ये वीडियो हमारा क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर का पार्ट सेकंड है, यानी सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, हमने वर्क डन को पढ़ा था कि कई कई बार आपको एग्जामिनेशन में देगा कि भाई वर्क डन के अंदर जो फोर्स है, यानी वर्क डन फाइंड आउट आपको करना पड़ेगा और जो फोर्स है उसको कॉन्स्टेंट दे देगा। कई बार आपको बोलेगा फोर्स कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। और कई बार आपको क्या करेगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच आपको ग्राफ दे देगा और उससे आपको वर्क डन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, पहले जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। क्यों ज़रूरी है आखिर इसको पढ़ना? भाई कोई ना कोई ठोस वजह होनी चाहिए ना हमारे पास। कोई भी काम ऐसे बिना वजह के तो आप खाना भी नहीं खाते। खाना खाते हो इसलिए क्योंकि आपको भूख लगती है। तो ऐसे ही वर्क एनर्जी थ्योरम को भाई क्यों पढ़ें हम, क्या ज़रूरत है इसकी? तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नॉर्मल क्लास 11th फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं तब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बेसिकली एक रिलेशन है यार कि वर्क और एनर्जी के अंदर। वर्क क्या है, पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बताया था आपको। एनर्जी उसके साथ कैसे रिलेटेड है, तो जब एनर्जी की यहाँ पे बात आएगी तो एनर्जी भी कौन सी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैसे में बारे में थोड़ा सा तो आप जानते हैं, थोड़ा आइडिया है आपको। तो जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है ये? द एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बताओ, फटाफट बताओ। रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा हो ना, उसके लिए जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है आपके पास, 1/2 mv². ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ रखा होगा, ज़रूर पढ़ रखा होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv, ये m क्या है, मास, और v क्या है, वेलोसिटी। यही तो होता है। काइनेटिक एनर्जी का यूज अब हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा हमें अलग वे में देखना पड़ेगा कि भाई काइनेटिक एनर्जी है वो आखिर किस चीज़ पर डिपेंड करती है। देखिए यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो काइनेटिक एनर्जी क्या मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मतलब अगर आप मास को बढ़ाते चले जाओ तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। आपकी वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर यहीं से आप एक और फॉर्मूला ड्राइव कर दो। क्या फॉर्मूला ड्राइव करें सर? आपको ये पता है कि जो यहाँ पे जो एम वी है, अगर इसको आप ऊपर और नीचे दोनों जगह पे एम से मल्टीप्लाई कर दो, करके देखते हैं क्या होता है। चलो देखो, ये अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, भाई 1/2 mv². यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास बढ़ाया काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मास को कम किया ये भी कम हो जाएगी, लेकिन इस जगह पे ये सारा खेल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो, ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन में ऐसा नहीं भी होगा कई बार, जैसे अभी यहाँ पे आप क्या करो, ये एक सिचुएशन है फर्स्ट। सेकंड सिचुएशन में हो सकता है आपके पास ऐसा हो जाए कि आप काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करें और इसको ऊपर और नीचे दोनों को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे mv² तो है ही हमारे पास, अपॉन में m और इंटू में m, दोनों ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दें तो m से m कट जाएगा, फिर किया ही क्यों है। देखो क्यों किया है, तो यहाँ पे जो 1/2 और m, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m² और v² और अपॉन में m। क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है? अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, m को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ खास किया नहीं हमने।
लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पास मोमेंटम का एक फॉर्मूला होता है। मोमेंटम क्या, मैंने पत्थर फेंका खींच के, उस पत्थर का मास था m, v वेलोसिटी से वो गया जाके कितना इम्पैक्ट डाला, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम याद आया, छोटी क्लासेस में पढ़ रखा आपने। तो यहाँ पे जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो होता है p इक्वल्स टू एम वी, ऐसा होता है। तो क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी है, देखना आप अभी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल हो चुकी है किसके, एम वी मतलब पी स्क्वायर। भाई एम वी क्या होता है, अगर मैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दूँ तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2, या फिर मैं सीधा ही ऐसे लिखूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m, इसको ऐसे लिख देते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या ये लिखना गलत होगा, बिल्कुल भी नहीं, अरे सही बात है ना। लेकिन यहाँ से एक चीज़ बदल गई यार, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थी, पर यहाँ पे आप देखो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चुकी है मास के। देखो मास नीचे आ गया है, ये दो सिचुएशन है जिनकी बात मैं कर रहा था। इस टाइम पे अब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, चीज़ें वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, अब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं मोमेंटम के ऊपर। तो जो मोमेंटम है आपका, मोमेंटम है उसको इस बार क्या मानना है, कॉन्स्टेंट मानना है उसको, स्थिर। आपका मोमेंटम अगर स्थिर है, सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो फिर आप ये मान लो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। मैं आपको सीधा सीधा बात बताता हूँ, अब ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई जो हमें पढ़नी ज़रूरी थी इसलिए मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक चीज़ आपको ये बताई कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है। सीधा सीधा हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एक ए और एक बी, दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, एक आप और आपकी गर्लफ्रेंड, दोनों आप जा, इट मीन्स ठीक है आप जा रहे हैं, ठीक है एक आप जा रहे हैं और कोई आपकी एक फ्रेंड जा रही है, ठीक है आप दोनों एक साथ साथ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी वेलोसिटी और आपके फ्रेंड की वेलोसिटी, आपका मास कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसे ही आपके फ्रेंड का मास होगा। अगर वेलोसिटी को एक जगह पे आप रख दें तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्या ये बात समझ में आई आपको। अगर आपकी बोल दें कि आप और आपके फ्रेंड दोनों साथ साथ भाग रहे हैं स्लो मोशन में, बहुत बढ़िया, ठीक है दोनों एकदम बिल्कुल साथ साथ भागने लग रहे हैं आप, लेकिन अगर वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट होगी, दोनों साथ साथ भाग रहे हैं, लेकिन आपका मास ज़्यादा है मान लो, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, मास ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गई मास के। ऐसे ही अब आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट लो जिसमें आप वेलोसिटी को भूल जाओ, आप क्या करो कि मोमेंटम रखो फॉर्मूले में। देखो ये फॉर्मूला आया ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, मोमेंटम स्क्वायर अपॉन में 2m। तो आप अगर मोमेंटम को बराबर मान लो कि भाई आप और आपका फ्रेंड दोनों भाग रहे हैं और दोनों का मोमेंटम इस बार बराबर है, मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम बराबर है, मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इस सिचुएशन में अगर आपका मास कम हुआ तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर आपका मास ज़्यादा हुआ ना तो इस बार आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आ रही है इस फॉर्मूला से, जब इस फॉर्मूला से निकालोगे तो मोमेंटम को सेम रख दिया, मास जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये सीधा प्रैक्टिकल बात आपको बता दी है कि काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीज़ें हमें समझनी है। पहली चीज़ ये इसमें हमने क्या किया, एम से मल्टीप्लाई किया है बस, एक चीज़ वो है कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दो। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट रख देते हो, ठीक है। बस ये दो ही चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। इस दुनिया में इन दो चीज़ों के अलावा रखा क्या है, बहुत कुछ है। आज की वीडियो में अभी ये काइनेटिक एनर्जी थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो मैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ी आपको कॉमन सी बात बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं इसलिए स्टार मार्क मैं यहाँ पे कर देता हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, है ना। क्या हो अगर कोई आपसे पूछ ले कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर कितना परसेंट चेंजमेंट आया, ठीक है समझना इस बात को आप। ये आपसे क्या पूछेगा कि जो परसेंट चेंज है वो कितना आया, ये आपसे पूछ ले कि भाई जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है ना उसमें कितना परसेंटेज चेंजमेंट आया, कैसे। अरे यार मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया है काइनेटिक एनर्जी का, क्या बताया है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी इक्वल होती है किसके, पी स्क्वायर अपॉन 2m, अभी अभी बताया। अगर कोई आपसे क्वेश्चन में बोलता है कि आप क्या करिए कि मोमेंटम को
5% चेंज कर दो या मोमेंटम को 50% चेंज कर दो, तो फिर आप ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट चेंज हो जाएगी। ऐसा अगर आपसे पूछ ले तो आपको क्या करना पड़ेगा, बस जस्ट सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें रखा नहीं है। देखो दो मेथड हैं आपके पास। एक तो क्या है, चेंजमेंट आपका लेस देन 10% हो। एक तो आपका जो चेंजमेंट है ना वो लेस देन 10% होना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। आपके मोमेंटम में जो चेंजमेंट आया है ना वो कितना हो, लेस देन 10% हो, इससे ज़्यादा चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब मोमेंटम चेंज किया है 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 10 तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन इससे कम होना चाहिए, मतलब 10 से कम। 10 तक भी हो गया तो फिर अपन दूसरे मेथड का यूज कर लेंगे। तो पहला मेथड किस बात के लिए, अगर आपका मोमेंटम में जो चेंजमेंट है वो कितना हुआ हो, 10% तक हुआ हो, यानी 10 से कम तक हुआ हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को देख लेते हैं, तो उसके लिए आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का। किसका यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का। याद आ रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैथ्स और फिजिक्स दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, काम चलता नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डी और के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा जा सकता है इसको बड़े आराम से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। और इक्वल्स टू मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे पास पी है तो बस मैं यहाँ पे लगाऊंगा डी, और यहाँ पे लिख दिया मैंने पी स्क्वायर अपोन, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2m, यानी दोनों का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। दोनों का मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे, देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, आप जानते हैं इस बात को, तो पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p हो जाएगा। तो ये मैंने लिखा 2p और ये हमने लिखा dp और अपोन में हमने लिख दिया 2m। कोई खास प्रॉब्लम तो नहीं आई आपको इस बात से भाई, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है वैसे पी स्क्वायर का क्या हो गया, 2p हो गया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट चेंजमेंट है ना, परसेंटेज चेंजमेंट निकालना है, किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंजमेंट आया, ठीक है, तो चेंजमेंट कैसे निकलता है भाई, कितने परसेंट अगर निकालना हो तो जो अब है और जो पहले था एक दूसरे को, यानी अब है अपोन जो पहले था और इनटू में 100%, तो ऐसे निकलता है, ठीक है भाई। आपको बोला कि आपके 600 में से 500 मार्क्स आए, तो 500 अपोन 600 इनटू 100, ऐसे तो निकालते हो परसेंटेज, ठीक है। तो देखो वैसे ही हम भी रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जो काइनेटिक एनर्जी है, एक तो जो अब काइनेटिक एनर्जी है, एक जो पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, एक तो हमारे पास जो अब काइनेटिक एनर्जी है और एक हमारे पास जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, और इनटू में क्या कर देंगे 100, यही परसेंटेज चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही ठीक इसमें लिख देंगे जो अब हमारे पास मोमेंटम है और जो पहले हमारे पास मोमेंटम था, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा 2p dp और अपोन में 2m, ये तो है ही, और इसके अपोन में हमें क्या लिखना है, जो पहले था या क्या था, पी स्क्वायर अपोन 2m, पहले तो यही था, तो इनटू में हमने लिखा पी स्क्वायर अपोन 2m यहाँ से, और इनटू में 100 करना ज़रूरी है क्योंकि ये बात हो रही है किसकी, परसेंटेज की बात हो रही है, तो इसको तो हमें करना ही करना है। देखो जो कटता है उसको काट दो, जो कटता है उसको काट दो, जो रहता है उसको रख लो। 2 से 2 गया, m से m गया, 2 से 2 गया, m से m गया, बहुत अच्छी बात है। 1p से p चला गया, तो क्या ये dp अपॉन p और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। आगे करते हैं देखो इसको, तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, देखो ये परसेंटेज, इसको तो मैं पूरे को क्या लिख दूँ, परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी, यानी परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और ये हमारे पास क्या बचा, 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 तो ऊपर गया, ठीक है, dp अपॉन p और ये परसेंटेज ही हो गया एक तरह से, तो ये हमारे पास हो गया dp अपॉन p, ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको, और इनटू में 100 है, इनटू में 100 है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारी जो परसेंट काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारा परसेंट काइनेटिक एनर्जी है, जो चेंजमेंट है हमारा, तो हम 2 इंटू ये क्या है, dp अपॉन p, जो अब मोमेंटम है, जो पहले मोमेंटम था, अरे जो अब मोमेंटम है वो dp है और जो पहले मोमेंटम था वो p था, और इनटू में 100, मतलब मोमेंटम में कितना चेंज आया,
अरे ऐसा ही तो है, तो इसको लिखा जा सकता है चेंजमेंट इन परसेंटेज ऑफ पी, यानी मोमेंटम में जितना चेंजमेंट आया। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, बड़ा ही ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है। इसके लिए क्वेश्चन नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये तो कब की बात बता, ध्यान रख लेना, जब तक 10% से नीचे अगर चेंजमेंट आएगा ना मोमेंटम में, कोई बोला यार मोमेंटम में चेंजमेंट आया, तुम बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजमेंट आया, तो कैसे बताओगे? ये फॉर्मूला लगाओ। लेकिन कब लगाओगे फॉर्मूला? जब आपका जो चेंज आया है किसमें, मोमेंटम में, वो कम होगा 10% से कम होना चाहिए। तो आपको बोला कि भाई आपका मोमेंटम है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जो मोमेंटम है ना उसको चेंज कर दिया गया है, मोमेंटम को चेंज कर दिया गया है 5%, कितना 5%, तो आप हमें बताओ देन व्हाट इज द परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपसे पूछ रहा है। क्या पूछा है इसने कि भाई अगर हमने मोमेंटम को 5% चेंज कर दिया है तो आप ये बताओ देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा। ये लो हम अभी कर देते हैं आंसर, और हम करेंगे उससे पहले आप करोगे, फटाफट कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। फॉर्मूला लगाओ यार, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है आपसे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो 2 × परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम सीधा है, तो 2 × कितना चेंज किया बताओ, 5 चेंज किया, तो ये आ गया आपके पास 10, ये आ जाएगा आपके पास 10%, और 10% आपका होगा आंसर। बस आपको ध्यान क्या रखना था, ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपका मोमेंटम में चेंज है ना वो 5% था, ठीक है, 10% से नीचे तक अगर ये लेस देन 10% होना तब आपका ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर ये चेंजमेंट 10% हो गया या 10 से ज़्यादा हो गया तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तब कौन सा करेगा, तो उसकी बात अभी हम करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो फॉर्मूला तो काइनेटिक एनर्जी का सेम ही रहेगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि अगर जो चेंज है किसमें, मोमेंटम में, अगर हमारा जो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, या तो वो ज़्यादा हो या वो बराबर हो 10% के, 10 से नीचे था तब तक कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, तब तक हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक बैठ रहा था, पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो अब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम वो 10% से, देखो 10% किया तो बराबर हो गया है या 10% के से क्या हो गया, ज़्यादा हो चुका है, 10% से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप दूसरा एक फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, देखो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा, एक तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी मतलब और बाद में जो थी वो आपको पता ही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और अपोन में क्या हो जाएगा आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इनटू में परसेंट निकालना है इसलिए कर दो 100। ये फॉर्मूला आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो कि जो अगर आपका मोमेंटम में चेंजमेंट कितना हो जाए, आपका अगर मोमेंटम में चेंजमेंट हो जाए ना 10%, इत लाइन थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियोज़ थोड़े से लंबे हो जाते हैं, डेफिनेट सी बात है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल यार, और फिर एक्सप्लेन सही से करना होता है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो कंसेप्ट हैं, कुछ बच्चों का को ये नहीं पता कि मोमेंटम क्या है, और उसके बाद में अगर हम उनको इतना डीपली अगर ले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो बेसिक्स हैं वो क्लियर करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो चेंज इन मोमेंटम अगर बराबर हो या ज़्यादा हो 10% से, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट कितना आया, तो आप ये फॉर्मूला लगाना, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इनटू में 100। इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है आपके पास, और आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपका चेंज आया है मोमेंटम में वो मान लो 40% है, ठीक है, आपका जो चेंजमेंट आया, चेंजमेंट इन मोमेंटम, वो आपको बोला कि कितना है 40% है, ठीक है, देन फाइंड चेंज इन
परसेंट फाइंड चेंज इन परसेंट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, परसेंटेज में फाइंड आउट करना है जो चेंज हुआ है वो। ये आपका क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, अगर आपका जो मोमेंटम है उसमें जो चेंजमेंट हुआ है वो कितना हुआ है 40%, देन आपको फाइंड क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसको ऐसा लिखो, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा ही आसान है, अभी हम आंसर लिख देते हैं, देखो क्या होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारे सामने है, इस फॉर्मूला का हमें यूज करना है। देखो जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो हमें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो हमें चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो हमें चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो यही होगा ना। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, पहले मान लेते हैं कि हमारा मोमेंटम पी था, बाद में 40% बढ़ गया, ठीक है, 40 बढ़ाया ना, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी हमारे पास इनिशियल वो ये हो जाएगी भाई, क्या होता है हमारे पास 1/2 mv² होता है, लेकिन वो उसका यूज अभी हमें नहीं करना है, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो p² / 2m, ठीक है, ध्यान रखिए, तो क्या हो गया p² / 2m, पहले हमारे पास ये काइनेटिक एनर्जी थी जो कि हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो देखो मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो मोमेंटम हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा यहाँ से, तो जो पहले मोमेंटम था हमारे पास वो पी था, बाद में 40% और बढ़ गया, ऐसा ही तो हुआ, तो p × 40/100 ऐसा करेंगे अपन भाई, पी का 40% और बढ़ा है तो p × 40 और अपोन क्या कर देंगे अपन 100 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4p/10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं 4p/10, और इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो लिख सकते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 2p/5, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 2p/5, और अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5p और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2p, और यहाँ से जो हमारा फाइनल मोमेंटम आएगा वो आ जाएगा 7p/5, ऐसा होगा, ये हमारा फाइनल मोमेंटम है। इस बात में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। 30 मिनट्स होने के बाद बीच में ऑटोमेटिकली ये कैमरा बंद हो जाता है, इसका अगर आपके पास कोई इलाज है तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, कैमरा ऑपरेट करना मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है, तो है ना, प्लीज़ एक बार अगर आपके पास कोई इलाज हो कि यार 30 मिनट्स जैसे ही होते हैं ना, इसमें एक टाइमर सेट है 30 मिनट्स का, अब उसको चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें आइडिया है तो आप ज़रूर मेरी हेल्प करिए, है ना। देखो फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया 7p/5, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैं इसको रफ कर सकता हूँ आप चाहें तो, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो ये फॉर्मूला है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये हमें चाहिए, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा p² / 2m, लेकिन मोमेंटम कितना हो चुका है 7p/5, तो ये लिख देते हैं 7p/5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर और अपोन में हो जाएगा 2m, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब हमारा परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है लगा दो फटाफट, कुछ नहीं है बस, अब परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये हमारे पास है फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपोन में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और इनटू में 100, ऐसा ही होता है। अब इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, देखो परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी ये हमें निकालना है इक्वल्स टू फाइनल हमारे पास ये आई है, देखो ये आई है 7p/5 और इसका कर देते हैं स्क्वायर और अपोन में 2m, ये है हमारे पास क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस हमारे पास क्या है इनिशियल, इनिशियल ये है p² / 2m और अपोन में हमारे पास इनिशियली हमें लिखनी है तो p² / 2m। यहाँ से एक बात को ध्यान से समझ लेना, मैं एक बार बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा, सुन लेना, रिपीट करके देख लेना। देखो यहाँ पे 2m है नीचे, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँ तो 2m एलसीएम आएगा दोनों का, तो 2m कैंसिल आउट हो गया, ये बात आपको समझ में आ रही है।
यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 7p² और यहाँ पे है पी स्क्वायर। अगर मैं 7 को बाहर ले लूँ या फिर मैं पी स्क्वायर को बाहर ले लूँ तो 7-1 बचेगा मेरे पास। समझ पा रहे हो इस बात को? देखो इसका स्क्वायर करके मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, ठीक है, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आई होप आपको यहाँ तक तो दिखेगा। तो यहाँ से मैं एक थोड़ा सा सेपरेशन लाइन ड्रा कर देता हूँ, इधर लिखेंगे। तो देखो ये यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49p² और अपोन मेरे पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और माइनस ये माइनस आ जाएगा मेरे पास पी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम आपको? इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर मैं पी स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ तो ये मेरे पास बचेगा 49/25 और -1, इतना बचेगा। तो अगर ये पी स्क्वायर बाहर आ गया तो देखो नीचे भी एक पी स्क्वायर है, तो क्या ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो सकता है यहाँ से बड़ी ही आसानी से? ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखो अब इसको जब सोल्व करोगे ना 49/25-1, तो इसके पास इससे जो आपका आएगा वो आंसर होगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस वजह से? आपने जो मोमेंटम में चेंजमेंट किया ना, आपसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, बात समझे कि नहीं समझे आप? आपको ये बोलेगा कि मोमेंटम में इतने परसेंट चेंज हुआ तो बता काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ। तो अगर वो चेंज मोमेंटम में जो उसने किया वो 10% से नीचे हो तो जो मोमेंटम में चेंज हुआ उसको डबल कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा पहले वाला फॉर्मूला। अगर वो चेंजमेंट 10 या 10 से ज़्यादा हुआ तो फिर ये फॉर्मूला लगाओ और फिर इसकी हेल्प से सोल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा आपको नीचे कॉमेंट में लिखना है इसको सोल्व करके, ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब फाइनली हम आ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये वर्क और एनर्जी के बीच का रिलेशन है। कैसे? कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, आपको कई बार वर्क देखने को मिलेगा, कई बार आपको फोर्स देखने को मिलेगी और उनसे वर्क डन की हेल्प से आप एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, या फिर कई कई बार आप एनर्जी की हेल्प से वर्क को फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली ये रिलेशन है दोनों के बीच का। ये कहता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सभी का जो वर्क डन है वो इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन के बीच का रिलेशन है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझ लेना इस बात को। मेरे पास ये कोई एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, और इसके ऊपर मैं एक एम मास का ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है, एक एम मास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं इस पर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास है वो क्या है, एम है। इस ऑब्जेक्ट का मास है हमारा एम, और मैं आपसे कहूँ कि इस मास के ऊपर 4 फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, F1, F2, F3 और F4, ठीक है। तो जो इन चारों फोर्सेज की वजह से जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी मैंने लगाए ना इसके ऊपर, जितने भी फोर्स लगा रखे हैं, F इनफाइनाइट लग रहा है, 1000 फोर्स लगा दी तुमने, तो हजारों की वजह से जो वर्क डन आएगा, वर्क डन का फॉर्मूला द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो 1000 फोर्स की वजह से जितना वर्क डन आएगा वो इक्वल होगा किसके, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ऐसा लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देखो कितनी शानदार बात है, क्या कहा, द टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। ये जो इस बॉक्स में मैंने बंद कर दिया ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, और इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यही आपका क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक मार्कर है मेरा, इस मार्कर पे अगर 1000 फोर्स काम कर रहे हैं ना, उन सारे फोर्सेज ने जितना काम किया है, जितना वर्क डन किया है, इस सभी वर्क डन को जोड़ दूंगा तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट आएगा उसके बराबर होगा। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ी ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पे से पूछे जाते हैं, अभी हम क्वेश्चंस ही करेंगे, टेंशन मत लो। देखो इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि आपके पास कोई एक एम मास का ऑब्जेक्ट है और मान लेते हैं कि इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया एफ, आपने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया,
जब आपने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ एक्सलरेशन भी इस पर काम किया होगा, मान लेते हैं इस पर जो एक्सलरेशन काम किया वो ए, ठीक है। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इस एम मास के ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पहले तो जीरो थी, लेकिन अब बढ़ के क्या हो गई है, इसकी वेलोसिटी वी हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी वी हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, देखो अगर इसके मैं एक्सलेशन की बात करूं तो एक्सलेशन इक्वल्स टू हो जाएगा एफ अपॉन एम। अगर आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है तो आपको पता है एफ इक्वल्स टू एम में होता है, तो ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, इसमें आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस बात को मतलब समझने में, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम होता है, ठीक है, ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, ये हो गया इसका एक्सलेशन। आपसे बोला कि आप इस मास की वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या करोगे कि भाई वी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारे पास यू स्क्वायर प्लस 2as, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है आपके पास वी स्क्वायर इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन सॉरी तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा होता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट कैसे था पहले, पहले ऑब्जेक्ट था रेस्ट में, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो प्लस एक्सलेशन क्या हो गया एफ अपॉन एम, टू इंटू एफ अपॉन एम, और डिस्प्लेसमेंट मान लो इसका एस था, ठीक है, मान लेते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक एस, एस इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपके पास इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई यहां से, तो ये आ गया वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया टू एफ एस अपॉन एम, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सही है। मैं इस बात को प्रूव कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना, कई आप कह दोगे कि सर ये तो आपने ऐसे ही हमें तो पागल बना दिया, प्रूव तो कुछ किया ही नहीं है ना, तो वो कर रहे हैं, वो काम करके दिखा रहा हूँ आपको। अब आपसे कोई बोलता है कि भाई आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करके बता दो, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, ये होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर, और जो वन अपॉन टू है इसको ऐसे का ऐसे छोड़ दो, मास को ऐसे का ऐसे ऐसे, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, तो क्या हो गया टू एफ एस अपॉन एम, तो यहाँ पे रख दो टू एफ एस, टू एफ एस अपॉन एम, क्या लगता है आपको यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, अरे फटाफट कर दो एम से एम कैंसिल आउट, और ये क्या बच गया टू से टू भी कैंसिल आउट, तो केवल क्या बचा काइनेटिक एनर्जी आपकी इक्वल बच गई किसके एफ एस के। और मुझे एक बात बता दो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या यहीं वर्क डन होता है, अरे क्या यहीं वर्क डन होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन होता है, तो इसका मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो तो आप दूसरी को फाइंड आउट कर सकते हो, ये प्रूव हो गई ये बात हमारे पास। तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, देखो क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करना बड़ा ही आसान है अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। वर्क एनर्जी थ्योरम का सीधा सीधा कंसेप्ट था कि भाई वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास ध्यान रखिए स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मतलब कि हमारे पास ऐसे क्लिक करते क्वेश्चन नहीं आता है, हमें यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हाथ से राइट डाउन करना होता है और उसके बाद फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है आपके लिए कि कहीं कोई कमी ना रहे, अगर फिर भी रह जाए तो आप प्लीज़ उसको एक बार कमेंट में रख के ज़रूर बता दीजिए कि हाँ ये एक हमें मिस्टेक है या कोई कमी है हमें नज़र आ रही है, जिससे हमें चीज़ों को समझने में दिक्कत हो रही है, हम उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। देखो ए मास ऑफ 10 kg इज़ मूविंग विद ए स्पीड, एक 10 किलो का मास है और वो मूव कर रहा है विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द कॉन्फिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है, और इस सरफेस का कुछ फ्रिक्शन भी होगा, पर इसके ऊपर एक मास, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है वो कितना है 10 kg है, 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये सरफेस और इस ऑब्जेक्ट के बीच में एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, और वो फ्रिक्शन का कॉन्फिशियंट कितना है, यानी बेसिकली मास आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 10 kg, जो दिया उसको रख लो, है ना, जो गिवन है, और कॉन्फिशियंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू दिया है 0.2,
म्यू आपको दे दिया कॉन्फिशेंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपने पिछला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से लॉज ऑफ मोशन, तो आपको ये चीज़ पता होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा दिया था हमने, है ना, डिफरेंस सर्च करके देख लो मिल जाएगा। तो म्यू इक्वल्स टू 0.2। फिर कह रहा है फाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट बिफोर कम्स टू रेस्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर बाद मान लेते हैं रेस्ट में आ जाता है यहाँ पे जा करके, तो इसने बीच में कितनी डिस्टेंस है वो ट्रेवल करी। ये 10 किलो का एक ऑब्जेक्ट है, 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, तो कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी ये हमें चाहिए। तो देखो एक फोर्स इस पे पीछे की तरफ काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। हमारे पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि भाई जो सारा जो वर्क डन है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, सभी फोर्स से जितना वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी के। यही तो है, चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इसी के बराबर है। तो इसी से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, और यही तो है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या आएगा देखो इससे, सारे वर्क डन यानी सारे फोर्स, तो इसका FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और उसके ऊपर सारे फोर्सेज को देखते हैं। देखो यहाँ पे एक तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, एक नीचे की तरफ इस पे MG फोर्स काम कर रहा होगा, मास इनटू ग्रेविटेशन, ऊपर की तरफ ये सरफेस इस पे एक फोर्स लगा रही होगी जिसको आप बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। और जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमारा होता है म्यू इंटू एन, यानी म्यू यानी जो कॉन्फिशेंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और एन मतलब होता है नॉर्मल, सीधी सी बात है। तो सारी चीज़ों को लिखना शुरू करते हैं। वर्कडन होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले वर्कडन बाय MG फोर्स, एक फोर्स तो ये लग रहा है इस पर, दूसरा वर्कडन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्कडन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्कडन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और इक्वल्स टू, ये तीन फोर्स लग रहे हैं, इसके अलावा कोई फोर्स हमें नज़र नहीं आ रहा है इस पर लगता हुआ, ठीक है। तो अब इक्वल्स टू क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो चेंजमेंट आया किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, रेस्ट में आ गया ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है, बिफोर कम्स टू रेस्ट, क्वेश्चन रेस्ट में आ गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रुक गया। द एनर्जी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोमेंट, जब चलता रहता है तब काइनेटिक होती है, रुकने के बाद तो जीरो हो जाती है। तो ये तो जीरो हो चुकी है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल तो जीरो हो गई, माइनस तो जीरो माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है 1/2 mv², तो 1/2 मास कितना है, ऑब्जेक्ट का मास है 10, ऑब्जेक्ट का मास आपके पास है 10, और v² मतलब वेलोसिटी। तो आपको क्या कह रहा है, ट्रेवल्ड बाई ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी थी आपके पास विद स्पीड ऑफ 10 m/s, तो यहाँ पे कर दो आप 10 का स्क्वायर। तो ये हमने किया 10 का स्क्वायर। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये वर्क डन बाय एमजी, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है मास इन, अरे यार वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, एमजी है, पर ये लग कहाँ रहा है, ये तो नीचे की तरफ लग रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट तो ऐसे जा रहा है सामने की तरफ, तो यानी डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे हो रहा है और फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर हो गई, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब ये वर्क डन तो जीरो हो गया, जीरो प्लस। पिछला वीडियो आपने मेरा देखा है तो आपको पता होगा कि वर्क डन क्या है, कैसे निकालते हैं। अब ये इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए म्यू इंटू एन, तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा, जितना एमजी लग रहा है उतना ही ऊपर की तरफ एन लग रहा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है ना ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, बीच में है, तो जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लग रहा होगा, सीधी बात है। तो एमजी है वो एन, एन के बराबर है, और एमजी कितना है, मास इस ऑब्जेक्ट का 10 है और ग्रेविटेशन को 10 मान लो, तो 10 × 10 हो गया 100, और 100 × 0.2, तो यहाँ पे कर देते हैं 0.2 और इंटू में 100, ये आपका हो गया फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन क्या अकेले फोर्स से काम चलेगा, नहीं चलेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ, वो आगे की तरफ जो हमें निकालना है, तो मैं इंटू में इस डिस्प्लेसमेंट को मान लेता हूँ एक्स, मान लो कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एक्स हुआ, वैसे एस लेते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एस भी ले लेते हैं, आर भी ले लेते हैं, पर यहाँ पे एक्स मान रहा हूँ, और यहाँ ये हमारा हो गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर आप इस बात को समझ लेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है, थीटा की वैल्यू देखिए 180 डिग्री हो गई है, और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, लास्ट वीडियो में बता दिया था, प्लस
ये फ्रिक्शन फोर्स हमें नॉर्मल की वजह से चाहिए था, तो नॉर्मल की वजह से जो फोर्स लग रहा है यानी जो वर्क डन है वो जीरो है। नॉर्मल वाला मैंने यहाँ लिख दिया है और फ्रिक्शन वाला मैंने पहले लिख दिया है ना, तो नॉर्मल वाला है वो आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आप देख ही सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के और फोर्स के बीच, ठीक है। तो ये आपके पास जीरो होना ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा, देखो 2 से यहाँ पे करोगे तो 5, तो यहाँ ये आ जाएगा 10 इंटू 10 करोगे तो 100, तो ये आ जाएगा टोटल 500 आ गया। अब x की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना आपको, तो x की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं, ठीक है, x की वैल्यू के लिए हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इधर है आपके पास 500 अपॉन जो x के साथ क्या था, देखो 0.2 इंटू 100, तो ये 0.2 और इंटू में 100, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इंटू में ऊपर 10 चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 0 से एक 0 और कैंसिल आउट कर देते हैं, एक 0 से एक 0 और, ये 0 से 0 हो चुका है, एक 0 से एक 0 और हो गया, और इससे 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, तो यानी x के बराबर आ गया है -25 meters, ये आ गया आपके पास -20, क्या माइनस आएगा, देखो ये माइनस था और इधर भी आपके पास माइनस था, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ये माइनस भी यहाँ नहीं आएगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 25 meters, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया है 25 meters, एंड दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चंस को करना आसान है? बिल्कुल आसान है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो फिर क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। देखो हमारे पास जो हमने दिया था, मास दिया था अगले ने, कॉन्फिशेंट दिया था उसको रख लिया, फिर हमने इसका FBD देखा कि कितने फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, हमने देखा नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, MG कर रहा है और एक फ्रिक्शन फोर्स, तीनों के लिए जो वर्क डन था, MG ने कितना वर्क डन किया, नॉर्मल ने कितना वर्क डन किया और फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, तीनों को जोड़ के लिख दिया, इक्वल होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो फाइनल है वो हमारे पास जीरो हो गई थी क्योंकि बोला कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो 1/2 mv², अगर v जीरो है तो फिर जीरो सब कुछ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमें बोला था कि इनिशियल स्पीड हमारे पास 10 meters per second है, तो वो हमने लगाया और x की वैल्यू आ गई 25 meters, दिस इज आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास 4 kg, एक ब्लॉक है आपके पास 4 kg जिसका मास है, कोई भी मेरे पास ये एक ब्लॉक है और जिसका मास है वो कितना है 4 kg, फिर आपसे कहता है इज केप्ड ऑन ए फ्लोर ऑफ कॉन्फिशेंट, एक फ्लोर पे रखा हुआ है, ये एक फ्लोर है जिसके ऊपर इसको रखा है, एंड कॉन्फिशेंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, ठीक है, तो आपको मास दे दिया है क्वेश्चन में कितना 4 kg, फिर आपसे कह रहा है कॉन्फिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ये आपको दे रहा है 0.2, ठीक है। ए फोर्स ऑफ 20 newtons एक्ट्स ऑन द ब्लॉक एट एन एंगल ऑफ 37 degrees, तो इस ब्लॉक पे 37 degree एंगल पे एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स कितना है 20 newtons, यानी जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है 37 degree, सीधी सी बात ऐसा एक रस्सी बांध रखी होगी ऐसे खींच रहा होगा इसको, तो 37 degree एंगल पे एक फोर्स काम कर रहा है 20 newtons, ये बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल तो यार समझ गए हम, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक की स्पीड को फाइंड आउट करो आफ्टर ही ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 10 meters, यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो कितना दे दिया 10 meters, और आपसे पूछ क्या रहा है कि आप डिस्टेंस यानी जो स्पीड है वो क्या स्पीड होगी 10 meters को ट्रेवल करने के बाद, उसको आप फाइंड आउट करो। सीधी सी बात है हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है हमारे पास, द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो नीचे mg कर रहा होगा, अपोजिट साइड में एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स काम कर रहा होगा, सीधी सी बात है नॉर्मल फोर्स तो ऊपर वर्क कर ही रहा होगा, और हमें ये देखना है ज़्यादातर कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बाकियों की वजह से तो जो वर्क डन है वो या तो नेगेटिव होता है या जीरो हो जाता है ना, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो इस 20 newtons की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा, और उस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या,
यहाँ पे लिखा जा सकता है 20, इधर जो इसका एक कंपोनेंट होगा ना उसको आप लिख सकते हैं 20 कोस 37 डिग्री। एक फोर्स के दो कंपोनेंट एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा, तो ऊपर की तरफ कितना है यहाँ पे 20 साइन थीटा साइन 37 और नीचे की तरफ एफ कोस थीटा यानी 20 कोस 37। और एक फेमस सा ट्राइंगल होता है हमारे पास, आपको पता होगा वो जो ट्राइंगल है उसके अंदर ऐसा होता है कि अगर आपका एक एंगल है वो 37 डिग्री है तो उसके सामने होता है 3, फिर यहाँ पे हो जाता है 5 और यहाँ हो जाता है 4। कई बार बता चुका हूँ। और ये फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। तो आपको निकालना क्या है, कोस 37 निकालना है, तो कोस 37 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपके पास 4 है और हाइपोटेनियस है 5, तो 4/5। क्लियर, 4/5। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, देखो जो फोर्स इधर काम कर रहा है वो 20 × 4/5, तो जो हमारा फोर्स हो गया वो क्या हो गया 20 × 4/5, यानी अगर फोर्स देखा जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16 न्यूटन। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखा जाए ना तो जो फोर्स वर्क कर रहा है हमारा वो कितना वर्क कर रहा होगा 16 न्यूटन। इस फोर्स को आप मान लेते हैं F1, ये जो फोर्स है ना 20 न्यूटन, इसको हमने F1 मान लिया। और लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में हमारा काम कर रहा है वो ये कर रहा है 20 cos 37 और उसकी वैल्यू आती है 16 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स को निकालना हो आपको, तो फ्रिक्शन फोर्स को निकालने के लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू इंटू में नॉर्मल फोर्स, और म्यू कितना दिया आपको क्वेश्चन में 0.2, और नॉर्मल फोर्स कितना होगा, नीचे mg लग रहा है, जितना नीचे की तरफ mg लग रहा है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी इस क्वेश्चन में देखना थोड़ा सा है ना वो अलग चीज़ें हैं। देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है, ऊपर की तरफ एक mg नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा है, साथ में इसका एक कंपोनेंट भी तो ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा। इसका FBD थोड़ा सा मैं साइड में बनाता हूँ इधर, और यहाँ पे देखिए इसको कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 4 kg, तो नीचे की तरफ तो ठीक है mg वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ एक तो नॉर्मल फोर्स वर्क कर रहा है, और ऊपर की तरफ एक इस 20 न्यूटन जो है ना, इस 20 न्यूटन की वजह से 20 sin 37 वो भी काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा 20 sin 37 और ये साइन 37 की वैल्यू हो जाएगी 3/5, उसी ट्राइंगल से साइन थीटा निकाल लेना है ना, तो साइन 37 हो जाएगा 3/5, तो इंटू में 3/5, जैसे ही 3/5 करोगे तो इससे काटोगे 4 × 3 = 12 न्यूटन, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। तो ये 12 न्यूटन प्लस नॉर्मल ये बराबर है mg के, mg कितना है मास इंटू ग्रेविटेशन, मास कितना है ऑब्जेक्ट का 4 kg है और ग्रेविटेशन को 10 मान लो, तो 4 × 10 तो कितना हो जाएगा 40 न्यूटन, तो मास इंटू ग्रेविटेशन कितना है 40 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये दोनों फोर्स इस नीचे वाले फोर्स के बराबर हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट तो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर है, ये बात मानते हो आप। तो यहाँ पे नॉर्मल प्लस 12 न्यूटन ये बराबर हो जाता है किसके 40 न्यूटन के, और यहाँ से अगर नॉर्मल फोर्स को निकालना हो तो 40 − 12 और नॉर्मल फोर्स हमारा बराबर हो जाएगा किसके, देखो 10 माइनस करोगे 30 और 28 न्यूटन ये हमारे पास आएगा नॉर्मल फोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो नॉर्मल फोर्स को यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना था वो हमने निकाल लिया है, तो 0.2 × 28 ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ गया अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम आपसे कहती है तो वर्क डन बाई एमजी फोर्स प्लस दूसरा फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, ये तीन आपके पास फोर्स हो गए लगभग, और इक्वल किसके है चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये mg की वजह से वर्क डन तो जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, मोशन इधर हो रही है डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, परपेंडिकुलर है तो जीरो होगा, जीरो प्लस नॉर्मल की वजह से भी जीरो होगा क्योंकि वो फोर्स उधर है और यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, प्लस ये जो फोर्स फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है क्वेश्चन में हमें कह रहा है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट होने के बाद क्वेश्चन में दे रखा है, तो फोर्स तो हमारा ये है 0.2 × 28 और इनटू डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 10, तो इनटू में आ जाएगा 10। और एक फोर्स और छोड़ दिया हमने,
ये फोर्स जो मैन क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो इसको मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, प्लस वर्क डन बाय फोर्स एफ वन, एफ वन माना था उसको हमने, और ये हमने लिख दिया चेंजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। कोई डाउट? तो जो यहाँ पे वर्क डन बाय फोर्स है, तो ये इस डायरेक्शन में जो फोर्स वर्क कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, वो कितना कर रहा है? देखो यहाँ पे हमने निकाल लिया था 16 न्यूटन, तो यहाँ पे 16 और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वही तो वर्क डन होता है यार। वर्क डन इज ये फोर्स और इनटू में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और इक्वल्स टू। तो अब देखो क्या कह रहा है कि आपके पास ए ब्लॉक ऑफ मास केप्ड ऑन ए फ्लोर रखा हुआ है, रखा हुआ है तो इसका मतलब रेस्ट में है, जो ब्लॉक है वो रखा है तो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ठीक है, उसके लिए वो नहीं निकालनी अपने को, निकालनी अपने को स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे 1/2 और फाइनल माइनस इनिशियल करना, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनटू में मास 1/2 एम वी स्क्वायर, मास कितना है 4 kg, और इनटू में वी स्क्वायर, ये वी तो निकालना है अपने को, अरे वी तो निकालना है। देखो तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसको उधर लिख देता हूँ, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, है ना, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि बेसिकली इसको मैं रफ कर दूंगा एक बार अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से और आगे राइट डाउन करनी है चीज़ें। देखो ठीक, तो यहाँ से जो हमारे पास आया 0.2 × 28 माइनस है, तो माइनस 0.2, तो पॉइंट को हटा के यहाँ पे नीचे 10 कर रहा हूँ, इंटू 28 × 10, ठीक है, प्लस 16 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 160, इक्वल्स टू इसके आ गया 4/2, यहाँ पे 2 से 4 को करोगे तो 2, तो 2v² हो गया, 2v², ये हो गया आपके पास 2v², ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, 10 से 10 गया, 28 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस 160 और इक्वल्स टू आ जाएगा 2v², इसको और आगे सोल्व करोगे तो 160 में से 56 को माइनस करो तो कितना हो जाएगा 104, तो ये आपके पास हो जाएगा 104 इक्वल्स टू 2v², v² इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 104/2, ठीक है, और v इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 100, इसको 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 512, तो ये 52 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 52, तो v की वैल्यू आपके पास आ चुकी है स्क्वायर रूट ऑफ 52 मीटर पर सेकेंड, स्पीड पूछ रहा था ना। तो 10 मीटर ट्रेवल करने के बाद आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसका मास 4 kg है, 10 मीटर ट्रेवल करता है, उसके बाद इसकी स्पीड बता दो आप, तो कितनी स्पीड हो जाएगी 52 मीटर पर सेकेंड। दिस इज आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, एक और इजी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद फटाफट इसको पोज करके एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, स्टोन ऑफ 1000 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर, एक स्टोन है आपके पास, एक पत्थर है, ये आपका एक पत्थर है, और इसको गिराया जाता है ऊपर से, इसको ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, तो ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 मीटर, इट हिट्स द ग्राउंड एट द स्पीड ऑफ, क्या कह रहा है कि जो हाइट है ना वो 50 मीटर है, इसको 50 मीटर की हाइट से नीचे गिराया गया है, और जो स्टोन ऑफ 1000 ग्राम, यानी इस स्टोन का जो मास आपको दिया हुआ है वो है 1000 ग्राम, यानी आप चाहें तो इसको ये भी कह सकते हैं 1 kg, 1 kg का एक पत्थर है उसको गिराया जा रहा है, इसका मास है ना वो 1 kg। फिर कह रहा है आपसे, इट हिट्स द ग्राउंड एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से छोड़ा गया है तो रेस्ट में था तो जीरो ही रही होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रही है इसकी, जीरो, ठीक है, ये u होती है इनिशियल वेलोसिटी, या v2 और v1 मान लेते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। फाइंड वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस ने कितना वर्क किया ये हमें करना है, वही उसी का यूज करेंगे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो एक तो नीचे की तरफ इस पे जो फोर्स काम करेगा वो होगा mg, मास इनटू ग्रेविटेशन, और जब ये गिर रहा होगा तो एयर इसको रोकने का प्रयास कर रही होगी, तो ऊपर की तरफ जो एक फोर्स काम करेगा वो होगा फोर्स ऑफ एयर, फोर्स ऑफ एयर,
ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस है वो काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पे वर्क डन किसके थ्रू हुआ, एक तो वर्क डन बाय मास इंटू ग्रेविटेशन, और प्लस वर्क डन बाय किसके थ्रू, एक दूसरा जो फोर्स है एयर, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ एयर, ठीक है, इसके थ्रू हुआ, एक तो एम जी था और एक एयर ने वर्क डन किया। अच्छा एक चीज़ देखो कि एयर का फोर्स जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है तो एम जी तो उसी डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन एयर का जो फ्रिक्शन है वो कहाँ की तरफ काम कर रहा होगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा, और इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब तक आपको याद हो चुका होगा यार कि ये तो थ्योरम है वो क्या कहती है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल की बात करोगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आपको दी हुई है क्वेश्चन में, इनिशियल है वो जीरो रहेगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 × मास कितना दिया है, चलो इसको रख देते हैं एम वी स्क्वायर, ठीक है, एम जी कितना है, एम जी यहाँ से निकाल लो भाई, मास ऑब्जेक्ट का 1 है, ठीक है, एम जी कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का मास है वो 1 है और इसको ग्रेविटेशन को 10 मान लो, ठीक है, तो 10 और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना हाइट से गिरा, 50 मीटर, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल यहाँ से 10 × 50, 10 तो हो गया फोर्स एम जी और इंटू में 50 हो गया डिस्प्लेसमेंट, माइनस ये हमें निकालना है वर्क डन बाई एयर, कि एयर फोर्स ने कितना वर्क डन किया, और इक्वल्स टू 1/2 × में मास कितना ऑब्जेक्ट का 1 और इंटू में वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 400, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं, यहाँ से देखो 2 से ये हो रहा है आपके पास, तो ये हो जाएगा 200, ठीक है 200 हो गया, तो 200 आपके पास इधर है और 500 इधर है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो वर्क डन बाय एयर, तो वर्क डन बाय एयर होगा, तो अगर ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 500, तो माइनस 500 और प्लस अगर आप करते हो 200, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -300 जूल, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, बड़ा ही सिंपल है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है पर जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, इसलिए नेगेटिव आया है। तो ये आपके पास वर्क डन बाय एयर फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया है -300 जूल, सिंपल है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यार, बड़ा ही सिंपल, इससे सिंपल क्या मिलेगा आपको, ठीक है, दो फोर्स लग रहे थे दोनों को रखा, तो टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको रख के आंसर निकाल लिया, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, द पोजिशन ऑफ ए बाल ऑफ मास 200 ग्राम चेंजेस विद टाइम, एक बाल है जिसका मास है 200 ग्राम यानी 0.2 kg, और उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t + 3 एंड फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है, तो इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो किसी वेबसाइट से उठाए हुए हैं, तो लगभग सारे अच्छे क्वेश्चन हैं ना, तो देखिए सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट का मास है वो कितना है 0.2 kg, यानी 200 ग्राम है, तो ऐसा लिख सकते हो आप, तो kg हो गया आपके पास, और x की वैल्यू आपके पास दे रहा है कितना, टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 3, और ये क्या कह रहा है कि चेंजेज विद टाइम एज x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t + 3, फाइंड द वर्क डन इन द फर्स्ट 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड में, पहले 2 सेकेंड में इसने कितना वर्क डन किया होगा, अपने पास ना तो इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है, जो है वो बस यही है, ये क्वेश्चन दे रखी है, इसी से अपने को निकालना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि v की वैल्यू है, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, यानी देखो क्या कर रहा है, पोजिशन चेंज हो रही है, तो पोजिशन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन को आपको यूज करना है, भाई आपके पास होता है ना ऐसे कि अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उससे आप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और वेलोसिटी से अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तब भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है ना, और अगर आप एक्सेलरेशन से वापस ये चाहते हैं कि आप वेलोसिटी निकालें तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और आप वेलोसिटी से पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तब भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारे पास क्या है, पोजीशन है और हम चाहते हैं पोजीशन से वेलोसिटी निकालना, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देखो क्या हो जाएगा आपके पास, dx
इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस थ्री, तो डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे x की जगह हमारे पास क्या दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टू टी और प्लस थ्री ये दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे तो भाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास dx, मतलब ये v के बराबर है, ये वेलोसिटी है आपकी, तो ये हो जाएगा 2t माइनस, और 2t का क्या हो जाएगा 2, 2x का क्या होता है 2 होता है, 5x का क्या होता है 5 होता है, 7x का क्या होता है 7 होता है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे 2t का क्या हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, तो 2t माइनस 2 ये आपके पास आ चुका है। और इससे आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, आपको दो वेलोसिटी चाहिए, एक तो इनिशियल चाहिए और एक फाइनल चाहिए। तो एक बार तो टाइम को जीरो रख दो, जब आपने जर्नी को स्टार्ट ही नहीं किया था तो टाइम क्या था, जीरो था। तो अगर आपका टाइम जीरो हो तो ऐसी सिचुएशन में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो रखोगे तो ये टू ही बचेगा, ये जीरो हो जाएगा माइनस टू, तो ये आपका बचेगा माइनस टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक वो थी, ये तो आपके पास एक वेलोसिटी हो गई जब आपने जर्नी स्टार्ट नहीं करी थी। एक बार क्या होगा कि जब आपका क्या बोला फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट टू सेकेंड, हो सकता है बोल देता है इन फर्स्ट फाइव सेकेंड, यहाँ पे फाइव कर दो मान लो, आपको बोलता है कि फर्स्ट फाइव सेकेंड में आप फाइंड आउट करो, तब आप क्या करते हैं कि आपको पाँच सेकेंड के बाद का फाइंड आउट करना है, तो आपको वेलोसिटी निकालनी है कि अगर आपके पास टाइम कितना हो जाए 5 सेकेंड, तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी देखो 2t, तो 2 इंटू 5 और माइनस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा टोटल 8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो चुकी है। अब अपन यूज करेंगे अपने वर्क एनर्जी थ्योरम का, तो उसमें से अपन निकालेंगे फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन है उसके लिए ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है अपने पास, तो ये हो जाएगा 1/2, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 0.2 kg, तो 0.2 इंटू में 1/2 mv² फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 1/2 इंटू में 0.2, और पहली वेलोसिटी क्या थी माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा बेसिकली, माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ से आ जाएगा 32। इसको सोल्व करके जो भी आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, यही तो वर्क डन होता है आपका भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर होता है कि नहीं, और आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो काइनेटिक एनर्जी ये और ये इक्वल आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसके आगे आप लगा देना जूल, ठीक है। ये आंसर करके आप नीचे कमेंट में राइट डाउन करो फटाफट। 32 को मल्टीप्लाई कर लो किसे 0.2 से, 0.2 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से, माइनस करके जो आएगा वो लिख दो, वही आंसर होगा। अगर ये अपन 5 नहीं करते, अगर यहाँ पे 2 ही होता तो इस केस में क्या होता, यहाँ पे अगर आप 2 रखते तो देखो क्या हो जाता, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 बचता 2, इसका वर्क डन आता 0, करके देख लेना इसका वर्क डन क्या आता 0, क्योंकि यहाँ पे आप लिखते तो 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी आप लिखते माइनस 2 का स्क्वायर, आता सेम ही, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता और इसका वर्क डन आता 0। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आप लिखिए नीचे कमेंट में करके, आप लिख के राइट डाउन कर सकते हैं कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर आया, ठीक है। तो टाइमिंग आप बोल सकते हैं कि भाई इतने टाइमिंग पे सर क्वेश्चन था उसका ये आंसर है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन देखो, द फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए बाल ऑफ मास 1000 ग्राम, एक बाल है जिसका मास 1000 ग्राम है, और उसके लिए आपको दिया हुआ है क्या फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इट्स शोन इन डायग्राम, फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड, पहले 2 सेकेंड में आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बाल वर 2 मीटर पर सेकेंड, कि अगर बाल की इनिशियल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड थी, एक बात ध्यान से समझ लो, मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि जब आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ हो तो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर ग्राफ हो ना, फोर्स अगर और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ हो तो जो एरिया होता है ना वो किसके बराबर होता है वर्क डन के, किसके बराबर होता है वर्क डन के, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको फोर्स और टाइम के बीच ग्राफ दे रहा है,
ये डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ नहीं है। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे काम नहीं आने वाला है। वैसे ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं आ सकता। तो यहाँ पे अपन क्या करें, यहाँ पे देखो आपको दिया है फोर्स टाइम ग्राफ। तो अगर आपको न्यूटन सेकेंड लॉ याद है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, याद होगा आपको। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो फोर्स के अंदर जो चेंजमेंट है वो मोमेंटम के बराबर है। तो इसका जो एरिया है ना, ये ऐसे ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या बताएगा, आपको मोमेंटम बताएगा। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो ये बताएगा आपको मोमेंटम, ठीक है। तो उसी से अपन इसको सोल्व करेंगे। देखो अब एरिया निकालने का प्रयास करेंगे, अपने को क्या बोला, फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए बॉल ऑफ मास 1000। तो आपको मास दे रखा है, कितना मास यानी 1 kg, 1000 ग्राम का मतलब होता है 1 kg। इज शोन इन द डायग्राम, फाइंड द वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड। टाइम आपको दे रखा है कितना, 2 सेकेंड, ठीक है। फिर आपसे कह रहा है इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल वर 2 meters per second, और अगर इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी बॉल की थी 2 meters per second, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए ग्राफ दिया है, तो अपन यहाँ से कहीं मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, यहाँ पे 2 सेकेंड के लिए होगा, ठीक है। और ये जो एरिया इस ग्राफ ने कवर कर लिया है, मतलब इस ग्राफ ने जितना एरिया कवर किया वो अपना मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं अपन यहाँ से। तो यहाँ ये जो हाइट है वो तो आपको पता ही है, 10 है, 10 न्यूटन देखो दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे 10 न्यूटन दिया हो ना, और ये जो हाइट है वो आपको नहीं पता है, तो इस हाइट को आप मान लो एक्स, इस हाइट को क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है। अगर ये आपका एंगल थीटा हो तो 10 थीटा यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस, 10 थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से इस ट्राइंगल के लिए मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, इस ट्राइंगल के लिए मैं राइट डाउन कर सकता हूँ, देखो कि जो मेरे पास 10 थीटा होगा वो होगा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 10 है, बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, और इसका बेस 5 था बड़े वाले ट्राइंगल का, तो 10/5। अब अगर छोटे वाले ट्राइंगल की बात करी जाए, अब इस छोटे वाले इस वाले ट्राइंगल की बात करी जाए, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल नज़र आ रहा है ना, इस वाला ट्राइंगल की बात करी जाए, तो थीटा तो सेम है, तो 10 थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो कितना हो गया भाई, 2 माइनस कर दो 5 में से, तो 3 बच गया, और ये वाला कितना हो गया x, इसको x मानना है अपन ने, तो ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3। तो यहाँ से इजीली आप x की वैल्यू निकाल पाओगे, अपने को तो x चाहिए था ना, अपना काम x से है यार, बाकी छोड़ो चीज़ें। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/3 30 अपॉन में 5 यानी 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से 6, कितना था 6, क्या था 6 न्यूटन, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6 न्यूटन, ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं। अब एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया जो है वो एक ट्रेपिज्म हो गया, तो ट्रेपिज्म का एरिया क्या होता है, 1/2, और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड ही आपको दोनों नज़र आ ही रही होंगी, एक हमारे पास है 10 और दूसरे की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है x की, एक ये साइड है एक ये साइड है, और इनटू में होता है इनके बीच के डिस्टेंस जो कि 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2, इनटू में 10 और 6 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 10 और 6 हो जाएगा 16, और इनटू 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इसको कैंसिल आउट करते हैं, देखो सीधा ही लिखते हैं इसको, 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास आ गया 16, और 16 आया है मोमेंटम, एरिया कवर्ड बाय फोर्स टाइम ग्राफ, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ नहीं है, फोर्स टाइम ग्राफ जो एरिया को कवर करता है वो आपके पास कितना आ जाता है, ये आपके पास आता है मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अब यहाँ से निकाला जा सकता है वेलोसिटी को, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा। तो अपने को क्या चाहिए, देखो क्या कह रहा है कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज 2 meters per second, और अपने को निकालना क्या है, फाइंड द वर्क डन, वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो फाइनल वेलोसिटी निकालो यहाँ से पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 इक्वल्स टू मास कितना है ऑब्जेक्ट का 1, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है अपने को नहीं पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2, इसको रख देते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 16 इक्वल्स टू वी माइनस 2 ये आ जाएगा, अरे 1 को अंदर मल्टीप्लाई करो मत करो एक ही बात है, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ से 2 को इधर लेके आओगे, 2 को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 18,
तो 18 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब यहाँ से वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, ये तो क्लियर है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर। इसकी दोनों की वैल्यू रखोगे 1/2, देखो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू मास 1 है और इंटू फाइनल वेलोसिटी आई है 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस 1/2 और मास आया 1 और इंटू में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दो, जो भी यहाँ से आंसर आएगा वही आपका वर्क डन होगा। सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। छोटा छोटा काम छोड़ता हूँ यार आपके लिए, इतना तो कर ही सकते हो। बोलोगे सर सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लास्ट में लाके छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन कर लो, क्या करें। ठीक है, हम सोचते हैं कि आप भी कुछ करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो ये था हमारा सिंपल आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने समझ लिया है कि भाई काइनेटिक एनर्जी के अंदर परसेंट चेंजमेंट को कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये तो देखा था कि काइनेटिक एनर्जी में अगर परसेंट चेंजमेंट हो, मतलब मोमेंटम में चेंजमेंट होगा, तो कितने परसेंट काइनेटिक में होगा, ये हमने देख लिया था। और फिर हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को बड़ा डिटेल में पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चंस अनलिमिटेड होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, जितने चाहें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बहुत जल्दी जो भी आप चाहते हैं उसमें आप सफल होइए, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हैं जिनमें आपको सफल होना है। ये बहुत छोटी सी लाइफ है और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े काम करने हैं। सभी को पता है कि 70-80 ईयर्स आजकल लोगों की मतलब नॉर्मल लाइफ आजकल इतनी ही है और इतने साल के अंदर बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। तो ये फटाफट जो सिलेक्शंस वगैरह हैं ये फटाफट लेकर के और अच्छी जॉब में लगिए और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें जो आप अपने लाइफ के साथ करना चाहते हैं वो करिए। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स आप नीचे वीडियो के डाल सकते हैं, सीधी बात है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।